बेड़ो के बारीडी बगीचा में केंद्रीय पढ़ा संचालन समिति के संरक्षक सह पूर्व विधायक विश्वनाथ भगत की पत्नी नीलमणि भगत, अध्यक्ष जुगेश उरांव, परमेश्वर भगत और संरक्षक डॉक्टर दिवाकर मिंज के संयुक्त नेतृत्व में पढ़ा के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पढ़ा झंडे के प्रतीक चिन्ह लकड़ी के बने हाथी घोड़े रंपा चंपा टेंगरा छाता व खोड़ा नित्य दल के साथ गाजा बाजा लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा मंच के समीप पहुंचते एक विशाल जनसभा में तब्दील हो गई। इसके पूर्व यात्रा के संस्थापक रहे पूर्व विधायक विश्वनाथ भगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यात्रा स्थल पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के सारूबहार से 7 पढ़ा राजा बिशु खलखो के नेतृत्व में आए 50 सदस्यीय खोड़ा दल और पालकोट गुमला समेत विभिन्न गांवों से आए खोड़ा दलों ने पारंपरिक तरीके से नृत्य व गीत प्रस्तुत किया। सभा को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि लोहरदगा के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि पढ़ा जत्रा हमारे पूर्वजों की देन है। ऐसे आयोजनों से हमारे युवाओं को हमारी प्राचीन संस्कृति व रीति रिवाजों को जानने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि पढ़ा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अपने अध्यक्षीय भाषण में नीलमणि भगत ने कहा कि वर्षों से पढ़ा व्यवस्था समाज के सभी वर्गों को जोड़कर रखती आ रही है। पढ़ा और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध है। समारोह में डॉक्टर दिवाकर मिंज ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति को हजारों वर्ष से खत्म करने का षड्यंत्र और कोशिश जारी हो रही है। इस बदलते परिवेश में हमारे पूर्वजों के पढ़ा समाज को बचाना है। जब तक हम आदिवासी हैं तब हमारी सभ्यता संस्कृति व परंपरा कायम रहेगी। पढ़ा जत्रा के समारोह को संचालन धनंजय कुमार राय ने किया। वहीं सभा को जुगेश उरांव, परमेश्वर भगत, भौआ उरांव, जगन्नाथ उरांव, सांसद प्रतिनिधि राकेश भगत ने संबोधित किया। पढ़ा जत्रा को सफल बनाने में समाज सेवी विश्वनाथ गोप, भीखा उरांव, बुद्धो मंगा तिर्की, प्रकाश खलखो, पीटर तिर्की, वंदना उरांव, तेम्बू उरांव, विश्राम भगत सहित अनेकों लोग ने सराहनीय योगदान दिया। सोना न्यूज भेड़ो से राज दीजिएगा और ये जो जगह है, ये जो जगह है, इसको ठान रखिएगा। जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर आएगा यहीं पर रुकेगा। और आप जो देख रहे हैं ये खोड़ा का दल भी साथ साथ में परिक्रमा करते हुए अपना धरोहर का पहचान को बना रहे हैं। पुरुषों का इतिहास को, उनके धरोहर को नजदीक से जानिए सुनिए। और आज आप लोगों को मैं बता दूं, आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद सुदर्शन भगत जी मंच में आसीन है। एक बार दो मिनट पहले उनका स्वागत करें। मंच में आसीन है हमारे विशिष्ट अतिथि परमेश्वर भगत जी, हमारे इस लाखों के सैलाब को नेतृत्व करने वाली और हमारे समक्ष उपस्थित है प्रोफेसर सोमराइया, हमारे दाएं ओर उपस्थित है 12 पारा राजा विशाल उरांव जी। जत्रा नहीं, सामाजिक जत्रा है, ये है विशाल उरांव जी। जो जी उपस्थित है हमारे संस्थान के प्रतिनिधि आशुतोष मिश्रा जी, उपस्थित है हमारे